नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द साइबर कैफ़े वाला। आज हम करने जा रहे हैं EPFO मेंबर साइट का ओवरव्यू। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, EPFO आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे और सेकंड जो ऑप्शन रहेगा EPFO मेंबर पासबुक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारे पास इंटरफेस शो होता है, यहाँ पर हम UN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा की सहायता से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीन लिंक शो होते हैं, मेंबर पोर्टल पर लेके जाएगा फर्स्ट लिंक, सेकंड रहेगा ग्रीवेंस के लिए और थर्ड रहेगा आपको जो मेन साइट पे लेके जाएगा जहाँ पे आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा सवाल एक EPFO हमें देता है, आप यहाँ पर 81 में से -5 करेंगे जो आंसर आता है, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर सम्स आपके सामने शो होते रहेंगे, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका अपने डिटेल शो होने लगेगी, नेम, UN नंबर और पैन कार्ड नंबर, और कुछ वार्निंग्स यहाँ पर शो होती है EPFO की तरफ से, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से, कि किसी से भी अपना OTP शेयर नहीं कीजिएगा और कोई भी एम्प्लॉयज़ आपको EPFO की साइट से कॉल करके नहीं कहता है कि आप EPFO में अपना पैसा ऐड करवाएं या कोई भी आपसे मांग नहीं करता पैसे की। तो यहाँ पर हम मेंबर आईडी चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हमारा व्यू पासबुक रहता है, न्यू क्लेम, व्यू क्लेम स्टेटस और थर्ड रहता है व्यू पासबुक ओल्ड फुल। तो अगर आप ओल्ड फुल करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉपर पासबुक तो शो करेगा। यहाँ पर तीन फॉर्म में रहते हैं आपका एम्प्लॉई शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन स्कीम। यहाँ पर आपको डेट शो हो जाएगी, मंथ शो हो जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड पासबुक कर सकते हैं। डाउनलोड पासबुक करने के टाइम हमें जो शो होता है उसके अंदर बताना चाहूँगा, जो हमारा मंथली वेजेस होता है उसका 12% हमारा PF यहाँ पर ऐड होता है और प्लस 12% हमारा कंपनी ऐड करती है। ओल्ड पासबुक में हमें यहाँ पर डिटेल तो हमें प्रॉपर शो होती है, बट यहाँ पर जो डेट होती है जब जब हमारा PF कटा है वो ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप न्यू पासबुक से ही अपनी पासबुक और डिटेल व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट नेम, मेंबर नेम और मेंबर आईडी यहाँ पर शो हो जाती है और UN नंबर आपका शो हो जाता है तो, और एम्प्लॉय शेयर कितना यहाँ पर ऐड हुआ है, एम्प्लॉयर ऐड अमाउंट कितना ऐड हुआ है और नीचे आपको टोटल अमाउंट शो हो जाएगा। यहाँ पर पेंशन का भी आपको शो हो जाएगा। तो वापस चलते हैं अपने तो मेन पेज पर, यहाँ पर आप स्क्रोल अप करेंगे तो यहाँ पर व्यू पासबुक, यहाँ पर न्यू ईयर यानी कि ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कौन से ईयर में आपका कितना PF ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पर ईयर चूज़ कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आपका वेजेस शो हो जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी, सैलरी के अकॉर्डिंग आपका PF यहाँ पर ऐड हुआ है। और कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि सर हमारी सैलरी तो हमारी 15,000 से ऊपर है, तो बताना चाहूँगा एक लिमिट होती है EPFO साइट की तरफ से कि अगर आपकी सैलरी 15 से ऊपर भी होगी तो 15,000 के अकॉर्डिंग ही आपका PF यहाँ पर ऐड होगा, चाहे आपकी सैलरी 20 क्यों ना हो या 50,000 क्यों ना रहे, तो आप यहाँ पर 15,000 के अकॉर्डिंग ही आपका PF यहाँ पर ऐड होगा। और 15,000 से अगर आपकी नीचे होती है तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग 12% एम्प्लॉई शेयर में जाएगा और 12% EPS में जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयर और पेंशन स्कीम में। तो और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पासबुक न्यू में ही अपनी डिटेल यहाँ पर चेक करें, इनकेस अगर आपकी कुछ एम्प्लॉयर PF ऐड नहीं करता कुछ मंथ का तो आपको यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर शो हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप ओल्ड पासबुक में तो यहाँ पर मंथ आपको आगे पीछे दिखा सकता है, यानी कि जनवरी के बाद डायरेक्ट जून शो कर देगा, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो। तो पासबुक के होम पेज पर आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट शो हो जाएगा और सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा व्यू क्लेम स्टेटस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका क्लेम का स्टेटस, आपने क्लेम जो डाला होगा उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, धन्यवाद।